देश आज बुराई पर अच्छाई की जीत का त्योहार मना रहा है। शहर शहर में बुराई और असत्य के प्रतीक रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ का पुतला फूंका जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के साथ दिल्ली के द्वारका में विजयदशमी मनाएंगे। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के आगमन को देखते हुए द्वारका श्री रामलीला सोसाइटी तैयारियों को युद्धस्तर पर अंतिम रूप देने में लगा हुआ है। पिछले साल राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की लवकुश रामलीला में आयोजित दशहरा उत्सव में हिस्सा लिया। इस मौके पर रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों का दहन भी किया गया। देश भर में यह त्यौहार बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाया जाता है। देश के प्रधानमंत्री पारंपरिक तौर पर रामलीला मैदान में इस उत्सव में हिस्सा लेते हैं। इस मौके पर रावण, रावण के बेटे मेघनाथ और उसके भाई कुंभकर्ण के पुतला दहन को देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग उपस्थित थे। 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी अलग अलग जगहों पर दशहरा मनाते रहे हैं। 2014 में दिल्ली के रामलीला मैदान में वो रावण दहन में शामिल हुए तो 2015 में तिरुपति में मौजूद थे। 2016 में उन्होंने लखनऊ में दशहरा मनाया। 2017 और 18 में दिल्ली के रामलीला मैदान में रावण दहन में वो शामिल हुए और इस बार उन्होंने दिल्ली के द्वारका को चुना है। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace, Rajgharana and the finest banquet hall, Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।